कापाचारा आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने 13 मजदूरों पर कोयला चोरी का कराया था मामला दर्ज। विरोध में आउटसोर्सिंग का काम ग्रामीणों ने कर रखा है बाधित। दर्जनों महिलाएं धरना पर बैठी। धनबाद मुगमा ECL अंतर्गत कापाचारा आउटसोर्सिंग प्रबंधन और मजदूरों में बीते 3 दिन पहले मारपीट की घटना हुई थी। प्रबंधन ने मजदूरों पर कोयला चोरी करने का आरोप लगाते हुए मारपीट किया था, जिसके बाद कंपनी का काम मजदूर और स्थानीय ग्रामीणों ने बंद कर दिया था। आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने 13 मजदूरों पर कोयला चोरी का मामला निरसा थाना में दर्ज कराया था। मजदूरों पर कोयला चोरी का मामला दर्ज कराने के बाद से आक्रोश है। आज कंपनी का काम जबरन चालू करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन के ECL जोन के केंद्रीय उपाध्यक्ष लक्की देवी के नेतृत्व में दर्जनों महिलाएं कंपनी स्थल पहुंच धरना पर बैठ गईं। महिलाएं कापाचारा आउटसोर्सिंग से निकलने वाले मुख्य सड़क को बंद कर वहीं बैठ गई हैं। JMM नेत्री ने कहा कि कापाचारा आउटसोर्सिंग कंपनी को यहां बसाने का काम उन लोगों ने किया है। कंपनी स्थानीय 13 मजदूरों पर कोयला चोरी का आरोप लगाकर FIR निरसा थाना में दर्ज करा दी है। जब तक FIR वापस नहीं लिया जाता तब तक कंपनी का काम बंद रखेंगे। ना हुआ है आज 2 दिन पहले, ये तो आप सभी को जो कि अवगत है, लेकिन ये प्रबंधन का देखिए एक माने क्या बोलिएगा कि सीना जोड़ी देखिए कि जबरन आके जो कि है और चालू करवा रहे हैं कापाचारा आउटसोर्सिंग, जबरदस्ती चालू कर रहा है। ये क्या क्या न्याय है? बिना जो कि है आज मजदूर जो 13 मजदूर के ऊपर में केस हो गया है, आप बोल आज 13 मजदूर के किए हैं, कल दिन आप और मजदूर के कीजिएगा। आप यहाँ आए हैं, हम लोग गांव में बसने दिए हैं आउटसोर्सिंग को, और आप इस तरह से माथा में चढ़िएगा। ये है कि जो लड़का लोग के ऊपर में बिना मतलब के केस हुआ है, उस केस को विड्रॉ किया जाए, उसके बाद में हम लोग बैठेंगे, सब कोई को बुलाइए, हम लोग बैठेंगे, बैठ के शांति वार्ता करेंगे, उसके बाद आउटसोर्सिंग चालू होगा। तब तक के लिए बंद रहेगा इसे, हाँ तब तक के लिए, अगर 1 महीना 2 महीना 4 महीना जितना दिन तक, जब तक मजदूर को न्याय नहीं मिलेगा तब तक बंद रहेगा।